ओके नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इंडिया गेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इंडिया गेट के बारे में तो वैसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और इसके कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बताऊँगा, और ये क्यों क्या किस चीज़ के लिए बनाया गया था उसके बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप इंडिया गेट के बारे में, अगर इंडिया गेट की हाइट की बात करें तो ये 42 मीटर हाइट में है, बहुत ही विशाल है। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अंग्रेज, बहुत सारे अलग अलग देश के, कंट्री के, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, डिफरेंट डिफरेंट जगहों के आदमी भी यहाँ पे देखने आते हैं, घूमने आते हैं, इन्जॉय करने आते हैं। तो आई होप कि अगर आप इंडिया से हैं तो ज़रूर एक बार इंडिया गेट जाइए और घूमिए, देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और वह युद्ध में जो हुए शहीदों की याद में बनाया गया था, ये अंग्रेज शासन द्वारा बनाया गया था और 1931 में बना करके इसको रेडी कर दिया गया था, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था 1931 में। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेस शहीद हुए थे उसके याद में बनाया गया था ये। एक्चुअली यहाँ पे जो ये तीनों कलर का झंडा लगा हुआ है, ये इंडिया के बीच में जो व्हाइट कलर का है वो नेवी का है, उसके बाद उस साइड में जो था वो एयरफोर्स का है, और साइड में जो था वो इंडियन आर्म फोर्स का है, मतलब कि जल सेना, वायुसेना और स्थल सेना तीनों का झंडा लगा हुआ है। और उसके साथ साथ एक तिरंगा झंडा जो लगा हुआ है ऊपर में वो सबसे टॉप पे, वो इंडिया का फ्लैग है। तो वैसे तीन ही झंडा लगा हुआ है तीनों सेना का यहाँ पे, तो एक्चुअली इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स तीनों का लगा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अभी जो हम आए हुए हैं यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस भी पीछे अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं। इस समय पर आए हैं, जिस समय पर हम आए हैं उस समय पर ये इंडियन, ये दिल्ली का जो ट्रैफिक पुलिस है वो कुछ बैंड बाजा बजा करके अपनी कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, बट ये लड़की सब हमें कुछ देखने नहीं दे रही है, इसके सिर्फ काले काले बाले दिख रही है पीछे से, बट हाँ ऊपर से अब देखना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ तो देख लिया आप, और सामने देखिए बहुत सारे मेले लगे हुए हैं। उड़ीसा का कुछ अभी इस समय में फेस्टिवल चल रहा है, तो उसी के फेस्टिवल का कुछ नाच गान प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, तो चलिए उसका भी आनंद लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो, घूम रहे ना ज़्यादा देर। रक्षा करी बारी बकरी तो हरा ना रहे।
उड़ीसा पर रहते थे, उड़ीसा में ही आले तुरे कुमार मेला लगा हुआ है। कौन है सर स्टार्ट हो रहा रथ दूसरा सा फोटो खींचेंगे क्या? ओ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यार। ये सब कभी कभार लगता है इसलिए आज लगा जरूर नहीं कल लगा रहेगा। थोड़ा सही नहीं आया।